एमडी कैट के बारे में कुछ बताएं, उसकी परसेंटेज वेटेज क्या होगी, क्या तरीकाकार होगा, उसके बारे में कोई चीज फाइनल हुई, उसकी डेट क्या होगी? देखें, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट लाइकली, हर चीज़ में लाइकली आएगा कि हम लेंगे ज़रूर एमडी कैट। और एमडी कैट जो है वो ज़ाहिर है 1.5 लाख बच्चों का एक ही दिन नहीं लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा इस दफ़ा। तो हम एमडी कैट ऑब्जर्व्ड ऑनलाइन लेंगे, लेकिन ऑब्जर्व स्टेशन से लेंगे। और उसका तरीका होगा कि हम पूरे पाकिस्तान में डिजिटली इनेबल्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स लेंगे और 3-3 शिफ्टों में लेंगे, सुबह दोपहर शाम। और मेरा ख्याल है ओवर 5-6 डेज लेंगे। एक ही लेवल के पेपर्स होंगे, एक ही डिफ़िकल्टी लेवल होगा, एक जैसा पेपर होगा, ताकि सबको इक्वल चांस हो उसमें सिक्योर करने की। और मोस्ट लाइकली जो उसका अगेन मोस्ट लाइकली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो वही 50% होगा, और 40% उनके एफएससी मार्क्स होंगे, 10% मैट्रिक का होगा वेटेज। पर 2020 का मेडिकल एंट्री टेस्ट कब होगा, एग्जैक्ट तारीख आज की वीडियो में आपको मैं बताने लगा हूं। और आपको बताते चलूं, एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि मेडिकल एंट्री टेस्ट इस साल एक ही दिन में मुनकिद होगा। तमाम सूबों के लिए यूएचएस लाहौर पंजाब का टेस्ट लेगी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज पूरे पाकिस्तान का टेस्ट लेगी, जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का टेस्ट लेगी, और इसके अलावा आपको बताते चले खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो केपीके टेस्ट लेगी, लियाकत यूनिवर्सिटी सिंध का और बोलान यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान का। इन तमाम सूबों के लिए मेडिकल एंट्री टेस्ट एक ही दिन मुनाकिद करवाया जा सकता है, सिवाय दो यूनिवर्सिटियों के, उनके अंदर आएंगी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको बताते चलें कि तमाम सूबों के अंदर सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो अपने अपने सूबे के हैं, यानी पंजाब के बच्चे सिर्फ पंजाब का टेस्ट दे सकते हैं, किसी दूसरे सूबे का टेस्ट नहीं दे सकते। इसी तरह केपीके के बच्चे केपीके का टेस्ट देंगे, सिंध के बच्चे सिर्फ सिंध का टेस्ट दे सकते हैं, बलूचिस्तान के बच्चे सिर्फ बलूचिस्तान का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नेशनल लेवल की है, और वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस नम्स, जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और इसके अलावा आर्मी के तमाम तकरीबन 8 या 9 मेडिकल कॉलेज हैं जो प्राइवेट के हैं, तमाम सीएमएच के कॉलेजेस में दाखिले करती है। अब ये आर्मी की अपनी एडमिनिस्ट्रेटेड यूनिवर्सिटी है, जिसको जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू इसको जो है वो इसके सारे इंतजामी अमूर संभालता है। अब आपको बताते चले कि आप यहां पर चाहे सिंध से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, कश्मीर से हैं, आप नम्स का टेस्ट दे सकते हैं, और ये नम्स का टेस्ट आपके लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने या सीएमएच के तमाम कॉलेजेस में दाखला लेने के लिए होगा। और सीएमएच के कितने कॉलेज हैं, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच कराची, सीएमएच क्वेटा, सीएमएच भावलपुर, सीएमएच खारिया, सीएमएच इसके अलावा जो है वाकेंट है, हाईटेक इंस्टीट्यूट टेक्सला है, और भी कुछ सीएमएच के कॉलेजेस हैं। इन तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का जो टेस्ट है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज लेगी, और नम्स के टेस्ट में तमाम पाकिस्तान से तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूएचएस लाहौर का जो एंट्री टेस्ट है, ये सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट इसलिए होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो यहां अपियर होती है, और लगभग इस साल 2020 के अंदर तकरीबन 70,000 बच्चे के अपियर होने के चांसेस मौजूद है, यानी 70,000 स्टूडेंट इस साल एंट्री टेस्ट देंगे यूएचएस लाहौर। सीटें यहां पर तकरीबन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 3400 के करीब होती है, लगभग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन आपको बताते चलें कि यहां पर जो है वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम क्या होता है, वो ये होता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप यूएचएस में अप्लाई करते हैं, यूएचएस तमाम कॉलेजेस की लिस्टें बनाता है, आपको एक ही एंट्री टेस्ट देना होता है, और उसके बाद कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन सिस्टम है, वेबसाइट पे आपने सब कुछ करना होता है, और इसके लिए जो एंट्री टेस्ट है वो इस दफा 2020 का जो एंट्री टेस्ट है वो यूएचएस का, इसके अलावा केएमयू का, लियाकत यूनिवर्सिटी का और बोलान यूनिवर्सिटी का एक ही दिन में मुनकिद होगा। और इसके लिए अक्टूबर का महीना जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल महीना है, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा कि ये एंट्री टेस्ट मुनकिद हो सके। दोस्तों इम्तिहान डिले पर डिले होते जा रहे हैं, आपको बताते चले कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर तमाम सूबाई हुकूमतें डेफिनेटली ये कोरोना वायरस की जो सूरत हाल को निपटा रही है, ये वजारत सेहत का महकमा निपटा रहा है, और मेडिकल एंट्री टेस्ट किसने लेना है, वो भी उसी वजारत सेहत के महकमे ने लेना है। तो जब वजारत सेहत का महकमा कोरोना वायरस से फारिग होगा, तभी वो मेडिकल एंट्री टेस्ट की तरफ आ सकेंगे, क्योंकि मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज लेती हैं, और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ही वही हैं जो वजारत सेहत का हिस्सा है। डेफिनेटली अब बोलान यूनिवर्सिटी है तो ये
पूरे बलूचिस्तान के अंदर कोरोना की सूरत हाल को बुलाने यूनिवर्सिटी देख रही है, सिंध के अंदर लियाकत यूनिवर्सिटी, डॉ यूनिवर्सिटी देख रही है, केपीके के अंदर केएमयू देख रही है कोरोना की सूरत हाल को, इस्लामाबाद के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एक्टिव है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस पूरे मुल्क के अंदर एक्टिव है, एनडीए में डिपार्टमेंट है, पंजाब के अंदर यूएचएस का सबसे बड़ा रोल है कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से, पंजाब हुकूमत और वजारत कौमी सेहत के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं इदारे, और जब ये इदारे कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमट के बाहर निकलेंगे तब ये एंट्री टेस्ट के बारे में सोचेंगे। और आपको बता दें कि अक्टूबर से पहले कोई चांस नहीं है, और अक्टूबर की भी कौन सी तारीख है दोस्तों, आपको यह बता दें अक्टूबर की 11 को यह एंट्री टेस्ट मुनकिद हो सकता है या 18 को यह मुनकिद हो सकता है, ये दो तारीखें हैं, इन दो तारीखों में से किसी भी तारीख में रतो बदल हो सकती है, लेकिन जो आपने अपने माइंड में रखना है वो यही है कि 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को इसके जो है वो भरपूर इम्कान है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ये अक्टूबर से आगे नवंबर में जाए, ऐसा मुश्किल है नामुमकिन है। आपको ये बता दें कि इससे पहले थोड़ा सा हो जाए शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी जो स्टार्टिंग अक्टूबर है उसको हो जाए, लेकिन जो ज्यादातर चांसेस हैं वो यही है कि 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, इन दोनों तारीखों को इतवार बनता है, तो ये इतवार वाले दिन टेस्ट, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर सूबाई हुकूमतें जल्दी फारिग हो जाती हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल से।